कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को बताओ क्या लास्ट वाले एपिसोड में माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर तीनों ही लोग ने मिलकर मिलिट्री के ऑर्डर पर जो टेररिस्ट का पूरा एरिया था, मतलब कि उन्होंने मिलिट्री वालों का वेपन्स यूज करे, सारे तगड़े तगड़े वेपन ले गए और उनके जो पूरे के पूरे एरिया में 15-20 हज़ार जितने भी टेररिस्ट रह रहे थे यहाँ पर सबको मार दिया था। अब वहाँ पर अंदर थोड़े बहुत बच गए तो बात की बात है, लेकिन जो उनका मेन हेड था उसको हमने अपनी गाड़ी में पकड़ लिया था, क्योंकि हमें मिलिट्री वालों ने बोला था तुम्हें उसके हेड को मारना नहीं है, जिंदा उसे बस लेकर आना है हमारे पास तक। तो ये देख लो भाई, जो हमारे आगे वाली सीट पर बैठे हुए वही है ट्रेवर, अपने घर पर चला गया था, लेकिन ट्रेवर ने कहा था कोई दिक्कत है तो मेरे कॉल कर देना। फ्रैंकलिन गाड़ी के पीछे ही बैठे हुए, फटाफट इसको लेकर चलते हैं मिलिट्री बेस। अब लास्ट में, मतलब कि लास्ट एपिसोड में हम आधे रास्ते पहुंच गए थे, तो आधे रास्ते यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब फटाफट इस गाड़ी के पीछे मैं लगा लेता हूं, और जो मिलिट्री बेस आप देख पा रहे हो हमें सामने, वहीं पर एंटर होना है। अब देखते हैं भाई इस बंदे को हमें कहां पर छोड़ना है। और पुलिस वालों ने, मतलब कि मिलिट्री वालों ने हमें कहा था कि अगर तुम उस बंदे को जिंदा ले आओगे तो भाई तुम्हारी जो लाइफ है एकदम लग्जरी लाइफ कर देंगे तुम्हें, मतलब कि बंगले देंगे, गाड़ियां देंगे। अभी चलकर देखते हैं ऐसा होता है फिर नहीं होता। अब यार लेकिन इतना तो कंफर्म है, पुलिस वालों ने हमारी सजा माफ कर दी और हम पे वो लोग विश्वास करने लगे कि भैया ये जो लोग हैं बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं। तो मतलब पुलिस वालों ने मिलिट्री को छोड़ के हमें वो काम दिया, और भाई हमने तो काफी आसानी से कर दिया क्योंकि उनके जो वेपन थे बहुत ज्यादा तगड़े थे। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस, फटाफट अपनी गाड़ी को यहां से एंटर करते हैं और ये जो आतंकवादियों का हेड है इसको इन लोग के हाथ में सौंप देंगे, और इन लोग से जितना भी पैसा लेना होगा, जो भी गाड़ी वाड़ी लेनी होगी वो लोग हम बोल देंगे, फिर वो लोग डायरेक्टली दे देंगे। अब यहाँ पर फटाफट चलकर देखते हैं करना क्या है। अंदर ही जाऊंगा मैं सीधा, मेरे को बस एंट्री मिल जाए। वैसे लोग अब जानते तो होंगे, पिछली बार तो मार रहे थे। ओके तो कर्नल बाहर ही हमारा वेट कर रहा है। भैया बाहर क्यों आ गया, मैं गाड़ी लेकर अंदर आ जाता, और इतनी सारी पुलिस क्यों खड़ी है, मैं मारोगे क्या? तो कि गाइस कर्नल अभी हमारी गाड़ी में खुद आ रहा है बैठने। मुझे लग रहा था कि भाई अंदर जाना होगा, लेकिन यार यहाँ पर ये पहली बार खड़ा हुआ था और वो भी इतनी सारी फौज लेकर बैठा हुआ था, मेरे को तो लग रहा था हमें मारेंगे आते ही। ओके तो कर्नल अभी हमारी गाड़ी में आकर बैठ चुका, और ये जो है ना ये कह रहा है कि हमें कहीं और जाना है। तो गाइस अभी हमें कर्नल ने लोकेशन तो बता दिया, मतलब कि वो जगह ना एकदम अजीब सी है। अब कर्नल कह रहा है ना कि वहाँ पर हमने अपना एक बहुत ही सीक्रेट बेस बना रखा है, जहाँ पर हमने तुम्हारे लिए ना गाड़ियाँ भी मंगा लिया, जो भी पैसा वैसा वो हमें वहाँ पर मिल जाएगा, और ये जो मेन बंदा है ना इस बंदे को वहाँ तक ले जाना है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं किस टाइप का खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर ही बंदे बैठे हुए हैं और इनके जितने भी प्लान थे बॉम्ब प्लांट करने के वो सब पुलिस वालों को पता करने, और जितने भी बॉम्ब है उनको डिफ्यूज कैसे करा जाएगा ये सब कुछ अभी इन्हें पता करना है, वो इनके ऊपर की बात है। अभी हमारा जो मेन काम था टेररिस्ट को जिंदा पकड़ के लाने का वो हमने कर दिया है। तो भाई अभी आज भी मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मतलब कि ये ना व्यू देखो भाई कितना ज्यादा तगड़ा व्यू है। ओके तो अभी फटाफट चलते पहले उस वाली जगह पर, और जो जगह हमें पुलिस वाले ने, मतलब कि कर्नल ने दिया वो ये जगह है। पता नहीं यार यहाँ पर इन्होंने अपना कैसा सीक्रेट सा बेस बना रखा होगा, वहां पर चलकर ही देखना पड़ेगा। फिलहाल मुझे तो पता नहीं, अब कर्नल ने ही बताया इसी कि जहां जाए बोलता जाएगा वहीं वहीं हम चलेंगे। भाई अभी तक तो अच्छे रोड थे, लेकिन अभी ना थोड़े टेढ़े मेढ़े से रोड आ चुके हैं, मतलब कि जो पहाड़ों पे नहीं होते सांप जैसे रोड, वो वाले रोड आ चुके हैं, और भाई कभी भी गाड़ी आ जाती है सामने से। ओके तो आगे थोड़ा सीधा सा रोड है, और ये जो एरिया है ना मुझे यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर ना गाड़ी चलाने में भी एक अलग सा ही मजा आ रहा है। लेफ्ट में पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है, आके देखना पड़ेगा। ओके तो शायद से कोई घूमने फिरने की जगह, और यहाँ से ऊपर की तरफ में ट्रॉली जा रही है, तो चलो यार कभी घूमने फिरने भी आएंगे। काफी ऊंचा पहाड़ है वैसे यहाँ पर, ये वाला जो है बहुत ही ऊंचा माउंटेन है। अब फटाफट चलते हैं, पता नहीं कौन सी सिटी आ गई है, हमें तो फिलहाल ना जंगल में जाना है पीछे की तरफ। तो कि गाइस अभी थोड़ा बहुत ना दिन भी हो चुका है, मतलब कि भाई कल से जो हम लगे ही पड़े हैं इस बंदे को पकड़ने में, इस बंदे को छोड़ने में। तो ओके हमें अपनी गाड़ी को जो है आगे से लेफ्ट लेना है। ओके तो मेन इस वाले कट से हमें यहाँ से गाड़ी को लेफ्ट लेना है, और भाई आगे तो पूरा मतलब पानी ही पानी है। फटाफट चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पर मैं पहले कभी नहीं आया, मतलब कि यार पुलिस वालों ने क्या बना रखा है इधर सीक्रेट सा, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा। पता नहीं कैसा सा होगा, मेरे को लग रहा है ना कोई बंकर इन्होंने मतलब बेसमेंट में बना रखा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई बिल्डिंग तो नज़र नहीं आ रही। अगर बिल्डिंग होती तो दूर से नज़र आ जाती, ऊंची सी छोटी बिल्डिंग तो बनाएंगे नहीं। ओके तो आगे दो बंदे हैं, पता नहीं कौन से, फटाफट चलते हैं। मैं उल्टा आ गया थोड़ा सा, यहाँ से मुझे राइट लेना था, मैं उल्टा लेफ्ट आ गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, हर जगह से रास्ते हैं। और यहाँ पर ये दो बंदों की लड़ाई किस बात की चल रही है भाई? अबे इस अच्छा जी लड़की को मार रहे दोनों लोग, पकड़ो साले को। ओए कर्नल के साथ आऊं जानते भी हो, निकलो यहाँ से, मार 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 साले को। ओहो आतंकवादी जी भी मार रहे हैं, अच्छा जी बैठो बैठो। ओके तो यहाँ पर अबे इसको भी छुड़ाना पड़ेगा भाई, क्या भाई इधर क्या चल रहा है। ओके तो मेरे को इसे छुड़ाना पड़ेगा, क्या छुड़ाऊं इसे मैं। ओके तो यहाँ पर ओके तो माइक अच्छा उसके हाथ बांध के उसे लूट रहे थे भाई ये दोनों लड़के। ओके तो यहाँ पर हमने इस लड़की की भी हेल्प कर दी। चलो भाई अब भैया मैं घर पे ड्रॉप नहीं करने जाऊंगा भाई। तो गाइस अभी वो लड़की यहाँ से अपना सेफली जा चुकी है वाइनवुड हिल्स की तरफ, वो हमें कह रही थी कि तुम ही लोग ड्रॉप कर दोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपने मिशन पर, तो वो ज़्यादा जरूरी है। अभी इसको पता नहीं था कि हमने अपनी गाड़ी में सबसे बड़ा आतंकवादी बैठा रखा है। ओके तो ये जगह अजीब सी है, मतलब कि यार यहाँ पर बंदों ने अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए बना रखा है, जो कि यार ड्राइविंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। पता नहीं हमें किस जगह पर जाना है, और काफ़ी खुला एरिया है भाई, आगे की तरफ चलकर देखते हैं।
पता नहीं यार, कर्नल तो कह रहा है कि हमें पीछे ही जाना है, मतलब एक कूड़े का डिब्बा होगा वो ढूंढना है। ओके, तो सामने एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो रखा है भाई, पता नहीं क्या सीन है। और यहाँ पर भी बैरियर लगे हो भाई, निकल लेते हैं यहाँ से। पता नहीं आगे एक छोटा सा आइलैंड टाइप भी बना हुआ है। फटाफट वापस चलते हैं और देखते हैं कूड़े का डिब्बा किस तरह में पड़ा है। बाकी जो इसने हमें एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिया है वहाँ पर चल कर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ओ गाइस, ये रहा वो ट्रैश का बॉक्स। तो इसी के अंदर, मतलब कि इसी के अंदर से वो रास्ता है उस जगह का। तो अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पहले तो पार्क कर देता हूँ। अब वहाँ पर चलकर देखते हैं। एक सेकंड ना, गेट बंद कर दूँ, इन लोगों ने तो गेट बंद कर दिया। गाड़ी का कुछ पता नहीं है, यहाँ पर अजीब अजीब से बंदे घूमते रहते हैं, कब में क्या करके चले जाएँ। ओके, तो ये वो ट्रैश का डिब्बा। ओ भाई, मशीनों का साउंड आ रहा है नीचे से, और इसके अंदर हमें जाना है भाई। पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, चलकर देखते हैं। तो कि गाइस, फिलहाल अभी हम ये जो आप देख पा रहे हैं ट्रैश का बॉक्स, इससे अंदर आ चुके हैं। और कर्नल अपना अंदर की तरफ में चला गया, पता नहीं कहाँ को, शायद उसको यहाँ का तो मतलब पता ही है, उससे अंदर बातचीत करने गया है कि हम जो है इस आतंकवादी को लेकर आ गए हैं। अब मुझे शायद से ना इसको अंदर छोड़ कर आना है, फिर पता नहीं क्या करना है, वो तो भैया कर्नल ही बताएगा। लेकिन अब बंदा इस जगह पर आ चुका है, तो यहाँ से तो भैया बाहर निकल नहीं सकता। और यहाँ पर इतनी तगड़ी तगड़ी, एक तो ना बाइक खड़ी हुई है और पीछे एक साइकिल खड़ी हुई है। और ये जो जगह भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी है। और यहाँ से एक एग्जिट और है पता नहीं कहाँ को। और भाई ये जो आप कार देख पा रहे हो ना, ये कार शायद से हमारे लिए आई है, लेकिन हमने तो तीन लोग थे और कार दो ही आई है, बाइक भी दो आई है, एक साइकिल आई है पता नहीं किसके लिए। ओके, तो अंदर भैया गाड़ी वाड़ी भी मैन्युफैक्चर हो रही है, मतलब एकदम अलग ही जगह है। और यहाँ पर कुछ ना डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च भी चल रही है। पता नहीं यार यहाँ पर क्या सीन है, काफ़ी कुछ अलग काम हो रहा है जो कि समझ नहीं आ रहा। और भाई काफ़ी तगड़ी सिक्योरिटी है, और यहाँ पर काफ़ी सारी गन्स भी हम उठा लेते हैं, हमको कुछ नहीं कहेंगे भाई। इस टाइम हम पुलिस वालों की आदमी बन चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कार भी मैन्युफैक्चर हो रही है यार, पता नहीं क्या ही चीज़ चल रही है यार यहाँ पर, काफ़ी कुछ चीज़ें ना समझ नहीं आ रही। और यहाँ पर सिक्योरिटी इन्होंने लगा रखी, मतलब एक अलग सी जगह बना रखी है इन लोगों ने, पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाई है, तो ही कुछ इस जगह के बारे में समझ आएगा। और यहाँ पर अंदर की तरफ में काफ़ी सारी गन्स है, तो हम लोग उठा लेते हैं भाई। और यहाँ पर ये बंदा भाई गन्स को देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर और भी सारे क्रेट्स पड़े हुए हैं गन के, और जितने भी बंदे, इतनी सारी सिक्योरिटी लगा रखी है पता नहीं किस चीज़ के ऊपर। और इस वाले रूम के अंदर भाई साहब, मतलब कि हर टाइप के वेपन्स है, बैग्स, और इतनी तगड़ी तगड़ी क्रेट भी पड़ी हुई है। और इसके अंदर भाई पता नहीं कौन सी गन पड़ी हुई है, उसकी सारी की सारी अटैचमेंट्स भी है, पता नहीं यार क्या ही चीज़ है। और यहाँ पर पीछे की तरफ में भी काफ़ी सारी क्रेट्स है, और ये वही वाली गन है जिससे हमने उस दिन इतने सारे बंदे मारे थे, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी गोली डाल दोगे वो चलती ही जाएगी। ओके, तो फटाफट अभी हम आगे की तरफ में चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये जगह बनाई किस लिए, यहाँ पर क्या ही करना चाहते हैं। और यहाँ पर कुछ लैपटॉप्स लगा रखे हैं, मतलब कि कंप्यूटर ने लैपटॉप्स लगा रखे हैं। और ये है भाई मेन रूम जहाँ पर अंदर कर्नल गया है। तो भाई यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, मैंने सारे के सारे जितने भी रूम्स हैं इन्होंने पता नहीं क्या अबाड़ कबाड़ बना रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा किस चीज़ के लिए बना रखा है। तो सब कुछ तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन ये वाला जो रूम है ना, इसके अंदर काफ़ी तगड़ी इन्होंने सिक्योरिटी बैठा रखी है, तो मुझे तो नहीं लगता मेरी एंट्रेंस इसके अंदर है। बाकी यार सब लोग तो मुझे जानते हैं, वैसे कर्नल मुझे यहाँ पर लेकर आया तो मेरी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन ये देखो ना, अंदर कुछ बात कर रहा है कर्नल इस टेरेस से। अभी ये कोई साजिश चल रही है क्या भाई, मतलब क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। ओके, तो टेररिस्ट उसे बताने से भी मना कर रहा है, और वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसा लग रहा है, पता नहीं यार क्या सीन है। तो भाई जो भी है, मुझे मेरी गाड़ी दो, मैं यहाँ से जाऊँ। बाकी तो मेरे को रेड वाली कार बहुत तगड़ी लग रही है, मुझे इसे चलाने का मन नहीं है। लेकिन ये कार को ना हम बेच सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा। और ये जो लेफ्ट वाली नहीं, लेफ्ट वाली कार इतनी खास नहीं, लेकिन इसके अंदर ना वो साइड में पिस्टल्स लगे हुए दो। अब दुख इस बात के कि पता नहीं ट्रेवर या फिर फ्रैंकलिन, दोनों में से किसी एक को गाड़ी वाड़ी नहीं मिलने वाली, तो ये जो दोनों बाइक है किसी एक बंदे को दे देंगे भाई। बाकी जैसा इन्होंने कहा था वो तो हो गया, लेकिन यार हमारा पैसा दो, हम लोग यहाँ से निकले, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो फिलहाल इन दो, ओ सॉरी मैं जा, ओके कुछ नहीं कहा। तो ओके, यहाँ पर ये लोग अपना बात करने में लगे हैं, अब यहाँ पर इनकी बातें सुनूंगा तो गड़बड़ जाएगी। और यहाँ पर ये बंदे अपना कंप्यूटर में किसी चीज़ का, ओके सीसीटीवी का ध्यान रख रहे हैं ये लोग। ओके, पता नहीं यार क्या सीन है, मुझे ना यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। ओ गाइस, ओके गाइस, यहाँ पर जितने भी पैसे पड़े हम लोग यार फटाफट से उठा लेते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि इतने सारे यहाँ पर पैसे पड़े हुए हैं भाई साहब, मुझे लग रहा था ये लोग पैसे नहीं देंगे भाई, पूरा गड्डी भर के इन्होंने पैसा दिया है। तो एक काम करते हैं ना, एक एक करके उठाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर एक ना बैग उठाते हैं और सारा का सारा पैसा उसके अंदर भर लेते हैं। अब कर्नल तो अपना बातें करने में लग गया, और यहाँ पर जितना भी पैसा जल्दी से लेके निकलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ से मैंने सारा का सारा पैसा उठा लिया, और अपना काम हो चुका है। बस ये दोनों गाड़ियाँ और जितनी बाइक्स हैं, इन सभी गाड़ी बाइक्स को यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा, और इनको लेकर चलेंगे अपने घरों पर। अब यहाँ पर भाई आप यकीन नहीं मानोगे, इन लोगों ने हमें टोटल भाई $3 मिलियन दिए, और $5,000 में पहले से थे। अब भाई $1 मिलियन हम तीनों आपस में बांट लेंगे, फिलहाल ज़्यादा भी नहीं थे कम भी नहीं थे, बट ठीक थे। अब यहाँ पर यार पुलिस वाले इतना पैसा नहीं दे रहे, बस गाड़ियाँ दे रहे हैं, और भाई इज्जत बहुत मिल रही है, पुलिस वालों के साथ काम करने का मौका मिला भाई। ओके, तो भी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और जितनी बाइक्स वगैरह इन सबको ना हम यहाँ से एक्सटीरियर है इनका, तो यहाँ से हम बाहर करवा सकते हैं। तो ओके गाइस, अभी मैं यहाँ से बाहर की तरफ में तो निकल गया, और पुलिस वालों ने भी हमारी जो गाड़ी है ना उस तरफ से, मतलब जो उनका एक्सटीरियर था वहाँ से सारे का सारा जितना भी हमारा सामान था वो बाहर निकलवा दिया है। और पैसा तो भाई काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मिला, बट ठीक है।
तो यहाँ पर भाई जितनी भी गाड़ी हमें पुलिस वालों ने दिया ना, तो आप ये सब देख पा रहे हो, मेरे को ये नहीं समझ आ रही साइकिल हमें किस लिए दिया है, बट जो भी दिया यार ले लेते हैं आराम से भाई, काफी सही है। अब यहाँ पर एक ना इन्होंने हमें वेपन क्रेट भी दिया जो कि यार काफी ज्यादा सही है। अब मुझे बताओ ये जो रेड वाली कार है ना, वैसे बहुत ज्यादा महंगी बिक सकती है अगर मैं इसे गोल्ड में कन्वर्ट करवा लूँ, और जो इन्होंने पैसा दिया ना वो सारा का सारा गाड़ी पे लगाना पड़ जाएगा। अब यार मुझे बताओ कि मुझे करवानी चाहिए फिर नहीं, लेकिन अगर एक बार गोल्ड में कन्वर्ट होगी ना तो उसके काफी सही पैसे मिल सकते हैं अगर कोई ढंग का डीलर मिल जाए। तो यहाँ पर अभी सब कुछ हो चुका है, अब लेकिन सब गाड़ी को लेकर कैसे जाऊंगा, तो उसके लिए ना मेरे को ट्रैवर को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से ट्रैवर को कॉल कर देता हूँ और यहीं पर बुला लेता हूँ, और ट्रैवर जो है ट्रक व्रक लेकर आ जाएगा, उसको मैं बोल दूंगा और सीधा इस गाड़ियों को जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबको उसके अंदर लोड कराएंगे और यहाँ से चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग सारी की सारी गाड़ियां जो है यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, मतलब कि आप देख पा रहे हो भाई काफी ज्यादा बाइक्स हैं, इसीलिए मैंने ड्राइवर को भी यह साफ बोल दिया कि कोई ना कोई बड़ी मतलब कि ऐसा कोई बड़ा ही ट्रेलर लाइयो तगड़ा सा, जिसके अंदर सारी की सारी गाड़ियां ना एक ही बार में आ जाए, मतलब ऐसा ना हो तीन चार राउंड काटने पड़े। तो यहाँ पर मैं बस वेट ही कर रहा हूँ, ड्राइवर आते ही होगा, नहीं आएगा तो एक और कॉल लगाएंगे, पता नहीं यार कहाँ पर रहेगा, इतनी देर तो वैसे लगनी नहीं चाहिए थी, काफी देर हो चुकी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। और बेचारा फ्रैंकलिन में अपना काफी ज्यादा बोर हो रहा है, और ये वाली जो कार है मेरे को बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो कि गाइस ड्राइवर जो है ट्रक तो लेकर आ चुका है, भैया इतना बड़ा ट्रक कहाँ से ले आई है, ओ भाई साहब इतना बड़ा ट्रक, अबे भाई ड्राइवर सच्ची बता रहा हूँ पागल हो गया भाई, इतना बड़ा ट्रक किसने मंगवाया था यार, मैंने तो बोला था कोई तगड़ा सा ले आई हो, और भाई ये तो किसी तगड़े बंदे का चुरा कर लाया, पता नहीं खरीद कर ही लाया, वैसे इस पर इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन यार जो भी है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा खरीदा होगा भाई, ये करोड़ों से भी ऊपर का है भाई, मतलब यार ड्राइवर बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदा है। तो यार सच्ची में ट्रैवर ना थोड़ा सा अलग ही किस्म का बंदा है, इसको मैंने बोला था कि यार यहाँ पर एक ट्रक लाना जिसके अंदर हम सारी की सारी गाड़ियाँ जो है उसे लोड करवा सकें, लेकिन यार ये तो इतना बड़ा ट्रक सा लाया है, मतलब इसके अंदर गाड़ियाँ का भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं तो सोच रहा था कि एक नॉर्मल सा ट्रेलर रहेगा ओके, तो इसने पीछे का ट्रंक भी खोल दिया है। तो यार फटाफट से जितनी भी हमने गाड़ियाँ वहाँ से ली थी इन सभी गाड़ियों को उसके अंदर लोड करवाते हैं। तो सबसे पहले जो रेड वाली कार है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है, पता नहीं क्यों, आपको कैसी लग रही है कमेंट बताना, और हाँ यार एक कमेंट ना ड्राइवर के लिए जरूर करना कि ड्राइवर आपको किस किस्म का बंदा लगता है। ओके तो यार यहाँ पर ये देख रहे हो उसके साइड में ना टायर्स में ब्लेड भी लगी हुई है, अगर किसी और गाड़ी का टायर यहाँ से टकराया करना तो बेटा पंचर ही हो जाएगा। ओके कार का साउंड सुन रहे हो भाई, आग निकल रही है आगे वाले साइलेंसर से। ओके तो भाई साहब यहाँ पर तो काफी तगड़े एग्जॉस्ट हैं इसके, तो भाई ये जो अंदर से मेन हॉलर है भाई कुछ इस टाइप का। ओके तो यहाँ पर ये अंदर क्या है भाई, कुछ रिफ्लेक्शन रखा है, रिफ्लेक्शन मार रहा है। ओके तो यहाँ पर हमने इसे खड़ा कर दिया, अब यहाँ पर मेरे को तो नहीं लगता और गाड़ी आ भी पाएगी, मेरे को लग रहा था काफी सारी आ जाएगी। तो गाइस अभी हम इन दोनों बाइक को भी अंदर करवा देते हैं, मतलब कि जो बाहर से देखने में तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन अंदर से ना आगे ज्यादा गाड़ियां नहीं, यहाँ पे एक से दो गाड़ियां ही ला सकते हो एक बार में। लेकिन यार सबसे सही चीज पता है इसकी क्या है, कि आगे ना इसके अंदर अपना तुम्हारे लिए एक रूम भी बना हुआ है जिसके अंदर आप रह सकते हो, और वो काफी ज्यादा ना मतलब बहुत तगड़ा रूम है, ऐसा कोई घटिया सा रूम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और फटाफट ये वाली जो एकदम हार्ले डेविडसन की कॉपी सी बाइक है, लेकिन बहुत ज्यादा तगड़ा साउंड है इसका भी, मतलब यार पुलिस वालों ने जितनी भी गाड़ियां जितनी बाइक्स हमें दी है सारी की सारी एक से बढ़कर एक है, तो इसको भी फटाफट लगा देते हैं। और जो लास्ट वाली बाइक मतलब कि लास्ट वाली जो कार रह गई है वो भी बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो उसको भी लाके इसके अंदर खड़ा कर दे, और साइकिल मैं नहीं ले जा रहा यार, चलो कोई दिक्कत की साइकिल भी रख लेंगे, और ये जो वेपन क्रेट है ना ये भी रख लेंगे। तो चलो यार अभी फटाफट इन ट्रक को लेकर चलते हैं अपने घर पर, इसी के अंदर अपनी सारी की सारी गाड़ियां हैं, और आप ये जो ट्रक देख पा रहे हो ना भाई, मतलब इतना ज्यादा बड़ा है तो मुझे डर लग रहा है ना पलट ना जाए जाते चलाने चक्कर में। अब आप सभी लोग को पता भैया मैं गाड़ी धीरे चलाता नहीं हूँ, ओके अरे अरे भाई काफी खतरनाक है। ओके तो यार यहाँ से कट लेना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, मुझे यहाँ के रोडों पे तो निकाल लूंगा, मतलब कि जो गांव के रोड होते हैं यहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं होता, और इतना मतलब कि पूरा का पूरा हाईवे रहता है, खाली खाली रोड रहते हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है जब मैं लॉस सैंटोस पहुंचूंगा, आपको पता है माइकल के घर का एरिया काफी ज्यादा चढ़ाई चुढ़ी सा एरिया है, तो वहां पर भाई बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके तो फटाफट यहाँ से निकालता, तो मुझे ना टॉप का कैमरा एंगल लगना पड़ेगा इसको चलाने के लिए, बाकी कुछ भी कहो सच्ची बता रहा हूँ चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो अभी मैं जितनी भी गाड़ियां ना इसको लेकर जाऊंगा पुराने वाले घर पर, मतलब कि नए वाला घर अच्छा है सब कुछ है वहां पर, लेकिन यार वहां पर मुझे ऐसा लगता है हम लोग सेफ नहीं है। तो कि गाइस अभी हम अपने घर की तरफ तो पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ना सीधा रास्ता पकड़ने के चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत रास्ता पकड़ लिया, और मुझे काफ़ी बड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ भाई, मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही बड़ी गाड़ी मैं इस एरिया में ले आया हूँ जो कि यहाँ पर चलने नहीं वाली, बट जैसे तैसे लोगों की गाड़ियों पर स्क्रैच मारते मारते मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके तो गाइस जैसे तैसे इस एरिया से मैंने गाड़ी निकाली, और जो मेरा घर है वो आने वाला है, और यकीन नहीं मानो कि जितनी भी रेड लाइट है ना भाई वो सारी ऊपर से एकदम टच होकर निकल लिया। ओके भैया हटा लो आगे से, भाई पूरा जैम लगा रखा है यार, मुझे यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ेगा, हटाओ भाई।
हटो हटो हटो, फायर करना पड़ गया यार मुझे इन लोग को हटाने के लिए। ओके तो मुझे आगे से वैसे राइट लेना था, लेकिन यार अगर मैं लेफ्ट जाऊंगा ना तो बहुत लंबा कट पड़ जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से मैं राइट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे भैया एक मिनट रोक लो यार, इतने सारे खंभे तोड़ दिए भाई आज मैंने, सच्ची बता रहा हूँ भाई। कोई और पुलिस वाला मेरे को देख लेगा ना, छोड़ने नहीं वाला। ओके तो मैं यहाँ से लेफ्ट लेना और हमारा जो घर है वो आ जाएगा। इतनी बुरी तरह कोई नहीं चलाता हुआ गाड़ी। ओके तो अभी ये जो ट्रक है मैं इसको कहाँ पार्क करूँगा यार? वैसे घर सच्ची में अपना अच्छी जगह पर नहीं है भाई, मतलब कोई बड़ी गाड़ी लानी हो यार ला ही नहीं सकते। इससे बढ़िया तो मैं इसको फ्रैंकलिन के घर पे भिजवा देता, वहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं, आराम से गाड़ी पहुँच सकती थी। ओके तो मैं इसको यहाँ पर पार्क कर देता हूँ। अब जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना उनको निकाल के लेकर चलेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले मैं अपना जितना भी पैसा है उसको घर में रख देता हूँ, और जो मेरी लैम्बोर्गिनी है ना उसको निकाल के पहले बाहर करते हैं, और जितनी भी जो नई वाली गाड़ियाँ लाएँ इनको अंदर कर देते हैं। ओके तो अभी चलते भैया पहले अपने घर के अंदर। मैं पहले ना बैग रखाता हूँ, फिर देखते हैं भाई क्या करना है। मतलब कि यार इतनी सारी गाड़ियाँ लेकर आ गए हैं, अब फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी तो कुछ देना पड़ेगा भाई, मतलब वो भी लोग, मैं सोच रहा हूँ उनको पैसे देकर ठस्सा कर दूँ। पैसे तो फिलहाल थोड़े बहुत पड़े हुए, तो मैं अपना बैग जो यहाँ पर रख देता हूँ पैसों का। तो कि गाइस यहाँ से मैंने लगे हाथ कपड़े भी बदल लिए, और ये जो जितना भी पैसों वैसों का बैग था यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिया है। अब इसके अंदर से गिनेंगे बाद में कि उन्होंने प्रॉपर पैसा दिया या फिर नहीं दिया, मतलब कि ऐसे पुलिस वाले हमें धोखा तो नहीं देंगे, वरना उन्हें भी पता है हम कितनी खतरनाक चीज़ें, उनको भी कभी फोड़ सकते हैं। अब फटाफट अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ से निकालते हैं और चलते हैं भैया सीधा जितनी भी गाड़ियाँ लाए उनको अपने गैराज में डालने। तो यार अभी लेस्टर ने हमें पता नहीं कहाँ पर मिलने को बुलाया, चल कर देखते हैं। पता नहीं थोड़ा ना वो डरा डरा सा लग रहा है, मतलब उसकी आवाज़ भी ना एकदम डरी डरी सी आ रही, जैसे बहुत ज़्यादा डर रखा हो। चल कर ही देखना पड़ेगा यार, वैसे गाड़ियाँ तो अपनी बाहर खड़ी लेकिन चल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और काफी दिनों बाद भाई अपनी गाड़ी चलाने का हमें मौका मिला, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट चलते हैं अपनी कार को लेकर जहां पर हमें लेस्टर ने बुलाया है। पता नहीं यार क्यों बुला रहा है, और ना एकदम डरी डरी से आवाज आ रही थी उसकी। तो गाइस अभी मुझे लेस्टर का मैसेज आया, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसने लिखा है आई एम किडनैप, आई नीड योर हेल्प ASAP। ओके तो यहाँ पर इसने फोर्ट जोन कोड, अभी ये कैसे हो सकता है? तो भाई यार लेस्टर का कहना है कि जो मिलिट्री वाले हैं ना वो लोग उसे किडनैप कर ले गए हैं, पता नहीं किस लिए भाई। मतलब कि पहले मिलिट्री वालों ने हम ही लोग से काम करवाया और फिर हमारे ही दोस्त को पकड़ कर ले गए, पता नहीं किस लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट यार लेस्टर ने कहा है कि भैया जितनी जल्दी हो सके मुझे बचाओ, अगर अभी नहीं बचाया ना तो बाद में बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी बचे ही ना। तो फटाफट चल के चलते हैं, मतलब यार पता नहीं किस लिए पकड़ कर ले गए भैया, वो तो लेस्टर को ही पता होगा यार, मुझे भी नहीं पता। अभी पहले ना फटाफट चलना पड़ेगा भाई देखने। तो लेस्टर ने भैया पूरा का पूरा ना प्लान हमें बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले उसने कहा कि तुम्हें डायमंड कैसीनो जाना पड़ेगा, वहां पर जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनके जितने भी चेले चपाड़े जो कि चुगलियां करते हैं, जिसके थ्रू मतलब कि उन्होंने लेस्टर को किडनैप करवाया, पहले जाकर हमें उसे मारना पड़ेगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो पहले फटाफट चलते हैं उनके पास। फिर लेस्टर गया हुआ है फोर्ट जोन कोड, यानी कि जो मिलिट्री बेस है US का, वहां पर गया हुआ है, लेस्टर को पकड़ कर ले गए हैं। तो हमें वहां पर से जाकर लेस्टर को भी छुड़ाना पड़ेगा। चलो यार जल्दी चलते, कोई देर नहीं करनी, अगर ज्यादा बातें करूंगा ना तो देर हो जाएगी। ओके तो अभी हम डायमंड कैसीनो पे पहुंच चुके हैं, तो यहीं पर उसके सारे जितने भी गुंडे वुंडे चेले चपाड़े यहां पर हैं, और उसने कहा कि इनके पास से ना तुम्हें बुलेट प्रूफ कार भी मिल जाएगी। तो वैसे मेरे को बुलेट प्रूफ कार तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुलेट प्रूफ कार है। ओके तो मेरे को यहाँ पर आना है। ओके देखते हैं क्या सीन है। तो सामने की तरफ आप देख पा रहे हो, ओ भाई ये हैं सारे के सारे फोर्ट जोन कोडो वालों के चेले चपाड़े। बेटा आ जाओ, तुमने मेरे दोस्त लेस्टर को किडनैप क्या सोच के कर लिया भाई? मतलब कि मैं तुम्हारे नीचे काम का क्या कर लिया एक बारी, तुम तो ऐसे बदमाश बनने लग गए। ओके तो पुलिस वाले जितने भी है ना भाई, कैसे भी भाई अंदर से तो बहुत तेज है यहाँ के। ओके तो फटाफट ये बंदे सबको उड़ाऊंगा मैं। ओके तुम्हारी ऐसी की तैसे सबके खोपड़े फोड़ दूंगा बेटा, मेरे को हल्के में मत लेना भाई। इन्होंने गलत बंदों से पंगा ले लिया, ये सोच रहे थे कि लेस्टर बता नहीं पाएगा, लेकिन लेस्टर बहुत तेज फील है। लेस्टर ने जल्दी से मेरे को कॉल कर दिया। ओके आजा आजा आजा, एक एक करके आना, एक एक करके आना, तू तेरे को जा जल्दी हो रही है, तेरे को जा जल्दी हो रही है। ओके निकलो बेटा। हो नाइस, डायमंड कैसीनो में हुआ खतरनाक फाइट। नहीं ऐसे न्यूज में अगर जाना होगा तो क्या जाएगा। ओके आजा आजा आजा, हल्के में ले, मेरी लैम्बोर्गिनी पे एक गोली नहीं लगनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं, तुम सबका मुंह फोड़ दूंगा भाई, सब हो जाए। मेरी लैम्बोर्गिनी पे अगर तूने एक भी गोली मारी ना बेटा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक है? चलो यहाँ पर मेरी पीठ पे तीन चार गोलियां तो लगी है, और आगे ही लेस्टर कह रहा है कि अगर तू हो सके तो ना। ओए तू क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, तू खड़ा हो गया क्या कर रहा है? अच्छा तमाशा देखोगे तुम, मतलब ये थोड़ा गधैया था, बाकी सारे बंदों को तो हमने मार दिया, और लेस्टर ने कहा कि हो सके तो ये वाली गाड़ी लेकर आना। तो चलो यार अभी इस वाली गाड़ी में बैठ कर चलते हैं, मेरे को मतलब ना समझ। ओ मेरे पीछे पुलिस पड़ गई भाई, इस गाड़ी में बैठते ही पुलिस पड़ गई पीछे, ये क्या सीन है यार? मेरी लैम्बो यार रोड के बीच में खड़ी हुई है और मेरे पीछे पुलिस भी पड़ चुके। तो एक काम करता हूँ मैं ना डायमंड कैसीनो के अंदर ही कहीं छुप जाता हूँ भाई। यार मेरी लैम्बो चोरी हो जाएगी, उसका गेट भी खुला हुआ है यार, ये गलत चीज़ है। मतलब कि यार इस गाड़ी में ना कुछ तो कुछ गड़बड़ है, मतलब कि जैसे ही मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा मेरे पीछे पुलिस पड़ गई। हट तेरी नकली गाड़ी, हटा इसको, मैं इस गाड़ी को ना फोड़ ही देता हूँ। एक काम करता हूँ रुक जाओ साला, जितना भी GPS ने मेरी लोकेशन दे दी, निकल यहाँ से, इसकी गाड़ी फोड़ दूंगा, रुक जाओ, पता नहीं किस लिए हटे यहाँ से। ओके तो यहाँ पर मैंने गाड़ी फोड़ दिया, पुलिस वाले मेरी लोकेशन नहीं पता कर पाएंगे, मतलब इस गाड़ी में GPS लगा था, जैसे इस गाड़ी मैंने एंटर करा पुलिस वाले ने लोकेशन पता कर ली।
तो भाई साहब गाड़ी फोड़ते पुलिस वालों का जो मामला था एकदम शांत हो चुका है। ओके तो एक पुलिस वाला आया तो है, लेकिन इसे शक नहीं होना चाहिए कि मैं ही था यहाँ पर। तो चलो यार अभी फटाफट चलते हैं हम अपनी गाड़ी में और यहाँ से निकल लेते हैं, वरना पुलिस वालों का सारा ना अभी बजे जा रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी फोड़ी है ना इसके लिए एम्बुलेंस आएगी, मतलब जितने भी बंदे मरे उनके लिए भी। ओके ये कहाँ आ रहा है भाई, अंधा है क्या भाई, एकदम मेरे पे ही चढ़ा देता अभी तो गाड़ी। अब फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं वरना भैया लेसर को कोई भी चोट आ जाए ये मैं नहीं देख सकता यार, मतलब इतना बढ़िया फ्रेंड है अपना। तो फटाफट जल्दी से चलते हैं फोर्ट जोन कोडो, मतलब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है मिलिट्री बेस। मतलब यार पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब यार पहले तो हमारे लिए दोस्त बन गए, वो हमसे ही काम करवाया और फिर हमारी बेस्ट फ्रेंड को किडनैप करके ले गए, भाई ये तो बहुत बड़ी गलत चीज़ है। एक तो तुम्हारे बाप की शादी हो रही है भाई सब, रोड के बीच में एकदम इतना जाम लगा के बैठे हुए। ओके तो फटाफट मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लेता हूँ भाई जल्दी से। तो गाइस अभी मैं अपनी लैम्बो को लेकर पहुंच चुका हूँ सीधा हाईवे पे, और आपको तो पता ही होगा कि यार हाईवे पर हवाओं से बातें करते हैं सीधा ये गाड़ी, मतलब कि यार बिल्कुल टाइम लगने ही नहीं वाला पहुंचने में, बस यार ट्रैफिक अगर थोड़ा भी मिला ना तो भी सीधा गाड़ी ठुकेगी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यार अपन इतनी घटिया भी नहीं चलाते, गाड़ी को ठोक देंगे, मतलब यार देखते जाओ बस, अब तुम ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं बचाने, बस जल्दी से इसे उड़ाते हैं सीधा। ओके तो गाइस थोड़े ना टेढ़े मेढ़े रोड आ रहे हैं, इसलिए चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बाकी जो गाड़ी की इस टाइम स्पीड है ना वो 350 से कंफर्म ऊपर है, बाकी बस गाड़ी अपनी कहीं ठुके ना पूरी एकदम परफेक्ट चलते जाए बस। ओके तो बस हमें आगे से लेफ्ट लेना है, और बाकी वैसे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब इतनी भी ज़्यादा फास्ट नहीं है, बाकी अगर देखा जाए ना बाकी गाड़ियों के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, पर कंट्रोलिंग तो एकदम गलत ही लेवल है, आप देख ही पा रहे होगे, मैं वो बताने की जरूरत ही नहीं है, साफ ही दिख रहा होगा। ओके तो फटाफट से भी हम पहुंचने वाले हैं। अरे भैया मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मुझे इतना विश्वास नहीं था, और सामने आ गया मिलिट्री बेस, आपको टावर नज़र ही आ रहा होगा यहाँ से। ओके तो सीधा चलेंगे मिलिट्री बेस के अंदर और देखेंगे भैया लेस्टर को किस बात के लिए पकड़ा है। ओके तो यार टनल के अंदर एकदम अलग ही साउंड आता है इस गाड़ी का। ओके तो यहाँ से बस हमें आगे से एकदम राइट लेना और फिर हम पहुंच जाएंगे। चलो तो यहाँ से भी हमें राइट लेना, और अब जो है ना स्पीड कम कर लेते हैं, वरना यार ये पुलिस वाले ये लोग नहीं देखेंगे कि मेरी लैम्बो या फिर क्या है, मतलब इन लोग को नहीं पता है गाड़ी कितनी ज़्यादा महंगी है, ये लोग सीधा फोड़ देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ना अपनी गाड़ी जो है साइड में पार्क कर दूँ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अंदर चलना भाई, दोस्त को बचाना तो करना तो पड़ेगा ही। अब बुलेट प्रूफ कार है ये वाली। ओके तो यहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा है, तो ये जो हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हो ना हमें इस टावर के अंदर ही है लेस्टर। तो भाई सामने जो फौजी खड़े हुए हैं ना, जो उस टाइम पर भी खड़े हुए थे, मुझे कंफर्म पता है लोग मेरे को रोकने वाले हैं। तो मेरे पास अब एक ही आइडिया है, मतलब कि कार तो ऐसे उड़ती हुई जाएगी ना इनकी आंखों के आगे से कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा, तो वही करना पड़ेगा। अब इन्हें दिखाता हूं मैं क्या ही चीज़ हूं मैं, मतलब कि हमसे पंगा लेके ना, मतलब कि लेस्टर को किडनैप करके इन्होंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं इन लोग को दिखाता हूं बेटा, मतलब कि हमारे फ्रेंड को किडनैप करने का क्या अंजाम होता है। आ जाओ बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से बैक सेरी। ओके तो यहाँ पर ये लोग मेरे को मार, अरे शिट 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 मेरी गाड़ी ठुकी, आ रहा आ रहा आ रहा बेटा, पंगे मत लियो, मैं बता रहा हूँ बेटा नंगा करके मारूंगा, टकला तो है ही तेरा नंगा पूरा। ओके तो फटाफट अभी जो इन्होंने लेस्टर को पकड़ा है। ओके तो मेरे को टावर की एंट्रेंस कहाँ से होगी भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, आराम से लड़ेंगे भाई, मतलब जो पुलिस वाले ना काफ़ी तो हड़बड़ा जाते हैं, बस गोलियां चलाने के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता, बट अभी हम लोग जो है ना एकदम दिमाग से काम लेंगे। तो ओके पता नहीं किसी के बंदे का खून भी लग गया, तो जिसे मैंने टक्कर मारी थी ना उसका खून मेरी गाड़ी पे लग गया है, वो तो वॉश करवा लेंगे, लेकिन पहले लेस्टर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी यहाँ पर इस वाले टावर के अंदर ही लेस्टर को इन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है। ओ ये किसने करा भाई, ये तो बजूका वजूका चलाने लग गए। अच्छा जी मतलब अपना काम हो गया तो मुझे भूल ही गए तुम लोग। अभी बेटा तुम्हारी औकात दिखाता हूँ मैं, तुमने लेस्टर को किडनैप करा किससे पूछ के, पहले तुमको ये बताओ। तो जो एक आध बंदा मेरे को दिखे तो मैं उसे मारू भी गाड़ी में बैठ के। अब मैं फटाफट एक काम करता हूँ टावर में चलता हूँ, मेरे पास वैसे गन्स वगैरह तो काफ़ी सही सही है, लेकिन टावर के एंट्रेंस मेरे को अभी तक समझ नहीं आई। ओके तो ये है टावर। ओ अच्छा जी निकल निकल निकल, तू भी निकल निकल। ओके तो यहाँ पर भाई काफ़ी सारे हैं। अच्छा जी भगो भगो भगो, ये सारे ये कौन मारा, ओ शिट, ओ ओ ओ ओ ओ आराम से भाई आराम से, क्या होगा कहाँ के शक्तिमान बन रहे हो आप। ओके तो मेरे पास एक आइडिया है। ओके तो कहाँ से पैदल पैदल कहाँ भगे आ रहे हो तुम लोग। ओके तो यहाँ पर एक एंट्रेंस है, लेकिन इसके अंदर से हम जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके तो मेन हमें ना मेन गेट से एंट्री लेनी है, निकले यहाँ से। ओके भाई इतने ज़्यादा बॉम्ब्स कौन गिरा रहा है भाई, एक सेकेंड। ओके तो ओ शिट भाई एक सेकेंड, ओ भाई रुक जाओ बहुत गलत सीन हो गया बाहर, मेरी लैम्बो पूरी जल गई है। लेस्टर कहाँ पे है, लेस्टर कहाँ पे, अबे भैया ये फौजी अंदर करने के आ रहे हैं। अच्छा जी लेस्टर यार इधर आ, साले अंदर आ, एक सेकंड यार इन्होंने तो मेरी पूरी की पूरी लैम्बो फोड़ दी भाई, चल तेरी ऐसी की तैसी साले, हमसे भिड़ेगा तू, शिट यार भाई वो बहुत, एक सेकंड रुक जा यार पहले तू साले निकल यहाँ से, अभी पिटेगा वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई। लेस्टर अभी हमें पूरा का पूरा प्लान बताएगा यहाँ से कैसे निकलना है, लेकिन यार मेरे को अपनी गाड़ी देखनी है भाई, एक बार इसने मेरे बजूका मारी और मेरी पूरी की पूरी गाड़ी फट गई है। तो एक काम करते हैं ना हम लोग यहाँ से ना टॉप फ्लोर पे चलते हैं सीधा, क्योंकि जितने भी मिलिट्री वाले ना सारे के सारे नीचे वाले फ्लोर पे हैं, तो हम एक काम करते हैं सीधा टॉप फ्लोर पे चलते हैं, और यहाँ पर लिफ्ट भी लगी है, चलो भाई सीधा लिफ्ट में आ जाओ, ऊपर चलेंगे सीधा।
तो कि गाइस अभी हम टॉप फ्लोर के रूफ पर आ चुके हैं और ना लेस्टर अंदर की तरफ में है और वो ना उस साइड के जितने भी पुलिस वाले उन्हें देख रहा है। अब मैं यहाँ से ना राइट वाले पुलिस वालों को मारूंगा और अपने पास ना यार कोई गन तो अच्छी अच्छी सारी गन है लेकिन यार किसी भी गन में ना कोई बड़ा स्कोप नहीं है तो मुझे यहाँ पर ना काफ़ी खतरनाक एकदम पूरे ध्यान से फाइट लेनी पड़ेगी। ओके तो यहाँ पर पुलिस वालों के जितने भी व्हीकल है ना मैं सारे के सारे ब्लास्ट कर दूंगा ताकि व्हीकल भी नीचे आके फूटे और इनका भैया काफी ज्यादा डैमेज हो। और यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर मेरे को मारने आ रहे हो, रुक जाओ, पूरा एकदम टारगेट लॉक करा और ओ शिट बच गया बच गया बच गया, ओ गया, ओ बच गया भाई, ये क्या उड़ा रहा है बंदा, एक सेकेंड ये गया, बस टच हो जाए उससे। ओके तो मेरे हिसाब से ना हेलीकॉप्टर पे लग गई है और वो ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने मैक्सिमम ओ भाई ये लोग भी नीचे से बजूका चलाना इन्होंने भी शुरू कर दिया है और मैं भी नीचे की तरफ में खूब सारी बजूका मार देता हूँ। और मेरे पास ना एक बहुत ही मस्त आइडिया है, एक मिनट रुक जाओ यहाँ से कूदता हूँ मैं फटाफट से, अब अपना पैराशूट खोल देता हूँ, इनको भाई ऐसा पागल बनाऊंगा ना भाई, इनको पता भी तो चलना चाहिए इन्होंने किस बंदे से फाइट लिया। आ जाओ अभी बताता हूँ तुम्हें, आओ मेरे पास आओ तो तुम लोग, अभी तुम्हें पता चलेगा किस बंदे से तुमने फाइट लिया। आ जाओ जिसको आना है आ जाओ, कौन सी काये भाई। ओके तो लेस्टर अपना ऊपर से देख रहा, मैं यहाँ से सबको मारूंगा भाई। अभी तक तो मैं लड़ रहा था लेस्टर के लिए लेकिन अब मैं इनसे लड़ूंगा भाई अपनी लैम्बोर्गिनी के लिए। क्या सोच के तुमने मेरी गाड़ी को फोड़ा, इधर आओ बेटा, रुक जाओ जंग की गन निकालता हूँ अभी मैं, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा ना कुछ खतरनाक सा वेपन निकालना पड़ेगा जिससे ये लोग मेरे आगे आकर ना खड़े भी ना हो पाए। ओके आ जाओ बेटा, कौन सी गाय, इधर आती है ऐसी की तैसी, निकलो 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 निकलो। ओके अब जितने भी है ना आ जाओ। अच्छा जी कौन मारा, तुम लोग मारोगे, इतने बड़े हो गए यार, दिक्कत होगी। पुलिस वाले ना उधर से अपना पूरा पूरा ट्रक भर के बंदे आ गए हैं भाई। अभी तक तो मैं सोच रहा था मैं मार दूंगा लेकिन यार फौज बहुत ज़्यादा और आप मेरी लैम्बोर्गिनी देख पा रहे हो भाई, क्या हालत कर दी इन्होंने अपनी बंदूकों मार के। ओके तो भाई पूरी की पूरी मिलिट्री आ चुकी है मुझे मारने के लिए, भाई मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। बेटा तुमने मेरी गाड़ी फोड़ी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, जो करना है कर लो। ओ भाई ये सारे के सारे पेट्रोल के हैं, ओके पीछे भी बंदे हैं, रुक जाओ बेटा मैं इसे छोड़ूंगा, गोलियाँ बस चलते रहेगी, जहाँ से मारना मार लो। ओके निकलो निकलो निकलो, ओके ये भी गया। शिट यार भाई मुझे पता नहीं था यार मिलिट्री वाले से पंगा लेना इतना ज़्यादा मुझे भारी पड़ सकता है, मतलब कि यार बहुत ज़्यादा फौजी हैं भर के पूरे। चलो यहाँ पर फिलहाल इनको भी मैंने मार दिया। अच्छा जी इधर हो रहे हैं, ओ भाई 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 भाई, भाई बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि एक के बाद एक आए जा रहे हैं, मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, मैं इन्हें इसीलिए मार रहा हूँ। अभी मैं लेस्टर के लिए लड़ रहा, अभी मैं लड़ रहा हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी के लिए। तू भी आ जा, तू क्या कर लेगा क्या कर लेगा, तू निकल यहाँ ऐसे, निकल निकल निकल, ये बुलेट प्रूफ है भाई, इसको कुछ नहीं होने वाला, ये बुलेट प्रूफ है। अभी लगभग यहाँ पर मैंने, मेरे को लग रहा है ना मैक्सिमम फौजी मार दिए। ओके अभी भी बहुत सारे, सरेंडर करने के लिए किसी ने बोला बे, तू सरेंडर करवाएगा मेरे को, तू सरेंडर करवाएगा। तो भाई यार लेस्टर को ना यहाँ से बाहर बुलाना पड़ेगा, मतलब यार पुलिस वालों से पंगा लेना बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। ओके तो लेस्टर भी यहाँ से बाहर आ चुका है, लेस्टर भाई सबको मार, बहुत गड़बड़ हो गई है भाई। ओके गाइस तो जैसे तैसे करके ना हमें बस किसी गाड़ी तक पहुंचना है, यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी तो खड़ी है लेकिन इसको लेकर भागेंगे तो पुलिस हमारा आराम से पीछा कर पाएगी, नहीं तो लैंड करवा लेना हेलीकॉप्टर। अच्छा तू मार मेरे गोली बेटा, मैं गोली चलने ही नहीं दूंगा, निकल 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 भाई साहब, ये बंदा तो गोलियों पे गोलियां चला रहा है, इसको बाहर निकल बाहर निकल। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या, ये जो पैंजर लेकर आ जाते हो ना तुम, कहीं के बदमाश नहीं हो, निकलो यहाँ से, मार लेस्टर से। ओके ओके एक और भाई हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर, ओ शिट मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हो, बाकी सारी गाड़ियाँ फूट गई है, लेस्टर जल्दी आ। ओके तो लेस्टर तो अपना आ रहा है, इसको उतारना पड़ेगा ये वरना बहुत दिक्कत देगा, पूरे रास्ता उतार नीचे। ओके सामने भी पुलिस आ चुकी है भाई, बहुत ज़्यादा ही पुलिस है। ओके बैठ 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 लेस्टर बैठ, अभी कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, यहाँ से निकल लेते हैं, सामने अपने पास गाड़ी भी है सब कुछ है, बस यहाँ से निकलना है, जल्दी बैठ भाई। मतलब कि भाई अगर गाड़ी में मैंने स्पीड दे दी, मतलब कि अगर मैंने गाड़ी ढंग से चला दी इस टाइम पे, तो यहाँ से हम बच के चले जाएंगे, वरना तो भैया हमारी यहाँ से लाश ही जाने वाली है। मतलब कि भाई सबसे पंगा ले लो पुलिस वालों से, मतलब क्योंकि पुलिस वालों पे भाई सच्ची बता रहा हूँ एक से बढ़कर एक वेपन्स, इतनी बड़ी आर्मी लाखों बंदों की, तो यार उन्हें तो मारते मारते थक जाएंगे। काश यार ट्रैवर अपने साथ होता है, फिर फ्रैंकलिन अपने साथ होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर ट्रैवर होता ना तो भाई साहब सच्ची में कोई दिक्कत नहीं थी। बट अभी फटाफट यहाँ से निकालते हैं शिट। तो फिलहाल सामने की तरफ में एक एग्जिट है और यहाँ पर ना ये डोर पर भी बंदे रहते हैं। अच्छा जी चल 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 निकल, इतना फालतू टाइम नहीं, अब बस फटाफट अपने घर को निकल लेते हैं। लेकिन यार पुलिस वाले तो हमें अच्छे से जानते हैं, हमारा घर वगैरह सब कुछ जानते हैं। ओ भाई ये हुई ना बात भाई, गाड़ी बहुत अच्छी, गाड़ी से प्यार होगा भाई साहब, मतलब कि क्या कटिंग दी है, कंट्रोलिंग्स बहुत अच्छी है भाई,
मतलब कि एकदम राइट लेफ्ट करा यार। काश इस पर एक पिस्टल भी होती लेस्टर पे, ये मार देता। ओके तो सामने इन्होंने ब्लॉकिंग भी कर रखी है भाई, लेस्टर को नहीं ले सकते तुम। तो भाई मुझे अब समझ आ रहा है कि पुलिस वाले लेस्टर को किडनैप करके क्यों ले गए थे। अभी ना सामने की तरफ में भी पुलिस वाले, तो पहले मैं इनसे पीछा छुड़ा लेता हूँ, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि सीन हुआ क्या था, पुलिस वालों ने हमारे साथ ऐसा क्यों करा। मतलब कि हमें वहाँ पर लड़ने के लिए भेज दिया और यहाँ से लेस्टर को उठवा लिया, ऐसा क्यों करा वो मैं आपको बताता हूँ। बट सबसे पहले मैं पुलिस वालों से पीछा छुड़ा लूँ। और ये जो गाड़ी है ना हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रही है, तो पुलिस वाले मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर तक हमारा पीछा कर पाएंगे। और जैसी पतलियाँ गलियाँ आएंगी ना वहाँ, तो भैया ये लोग मैं इन्हें गायब ही कर दूँगा सीधा। क्योंकि गाइस फिलहाल अभी मैं एकदम शांत वाले रोड पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुलिस वाला मेरा पीछा करते करते आया होगा। ओके तो यहाँ पर एक गैराज है, तो थोड़ी देर में अपनी गाड़ी यहीं पर खड़े करता हूँ ताकि जितने भी पुलिस वाले यहाँ इस हाईवे पर भी घूम रहे हैं ना वो भी चले जाएँ। ओके तो वैसे निकाल लेनी चाहिए क्योंकि पुलिस वालों को मैंने ना काफ़ी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना वो मेरे अभी भी पीछे लगे हुए थे, बट अभी वो लोग भी जा चुके हैं। अब फटाफट इस गाड़ी को लेकर चलता हूँ अपने घर पर और आपको बताता हूँ ऐसा क्यों करा। तो अगर आपको पता होगा कि लेस्टर का जो दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो मेन पुलिस वाले ने लेस्टर को इसलिए किडनैप करा था ताकि लेस्टर उनके लिए काम, लेकिन लेस्टर नहीं चाहता कि वो पुलिस वालों के नीचे काम करे। लेस्टर चाहता कि वो भाई सबसे ऊपर काम करे, किसी के नीचे ना काम करे। तो यही रीजन था कि वो लेस्टर को इसीलिए पकड़ कर ले गए थे। और उन्हें पता था कि जब तक हम उनके साथ रहेंगे, मतलब कि लेस्टर के साथ हम लोग रह रहे होंगे, तो वो लोग हमें नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए पहले उन्होंने हमें पकड़ा, हम तीनों को पकड़ा, फिर उसके बाद जब हम तीनों को पकड़ लिया और टेररिस्ट की फाइट में बिजी कर दिया। बेसिकली उन्होंने हमें टेररिस्ट से मरवाने के लिए भेजा था, लेकिन हम लोग टेररिस्ट को मार के आ गए उल्टा। तो यहाँ पर अभी अपने लिए एकदम सब कुछ बेस्ट चल रहा है। तो भाई जो भी हुआ सब सही हुआ, अभी लेस्टर को भी हमने बचा लिया, लेकिन पुलिस वालों से मेरे को लग रहा था दोस्ती हो गई है, लेकिन यार पुलिस वालों से तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो गई है। तो लेस्टर कह रहा है अभी ना मेरे को अब तुम्हारे घर नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा घर भी इस टाइम पर सेफ नहीं है। तो लेस्टर कह रहा है मेरे को डायमंड कैसीनो पे छोड़ दो, वहाँ पर भी पता नहीं इसका क्या सीन है, वहाँ पर इसके शायद से फ्रेंड वगैरह रहते हैं, वो इसे उठा कर ले जाएंगे। भाई सच्ची में बता रहा हूँ यार, जिंदगी में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, सब कुछ एकदम सही हो रहा होता है, एकदम बढ़िया बढ़िया जा रहा होता है, पैसे भी आ रहे होते हैं, सब कुछ यानी कि एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन एक सीन पता नहीं ऐसा आ जाता है जो कि यार पूरा का पूरा काम खराब कर जाता है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब तक हमारे साथ लेस्टर है तो हमें, मेरे को नहीं लगता पैसों की कमी पड़ने वाली है, क्योंकि यार लेस्टर को एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताना जहाँ पर हम चोरी करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आना था और वो गाड़ी अभी भी खड़ी हो जिसे हमने फोड़ा था। ओके तो हमें लेस्टर को मेन यहीं पर ड्रॉप करना है ना, ओके थोड़ा सा आगे ड्रॉप करना है, यहाँ पर नहीं करना। तो फटाफट से मैं इसे आगे लेकर चल लेता हूँ। मतलब कि यार जो भी हो बहुत ही बेकार सीन था भाई, बट लेस्टर को हमने बचा लिया, दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गाड़ियाँ तो आते जाते रहेगी। तो फटाफट अभी हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर हमने लेस्टर को तो छोड़ दिया और लेस्टर ने हमें $1.5 million ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब कि लेस्टर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मतलब यार मुझे इतना कम टाइम था ना मेरे पास कि मेरे को ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बुलाने का मौका भी नहीं मिला, और मैं अकेले यार यहाँ पर से लेस्टर को रेस्क्यू कर ले आया। भाई जो भी हो बहुत ज़्यादा तगड़ा था, और मुझे यार घर तो सच्ची में बदलना ही पड़ेगा। मतलब कि यार वो जो नया वाला घर है ना वो तो यार बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बाकी जिस घर में भी रह रहा हूँ वो फिर भी थोड़ा बहुत सेफ है यार। सिक्योरिटी गार्ड लगवाने पड़ेंगे घर के अंदर, वरना कोई भी गड़बड़ हो सकते कभी भी। और जो लैम्बोर्गिनी गई है ना उसका भी बहुत ज़्यादा दुख है। तो यार आप कमेंट में बता सकते हो कि मुझे लैम्बोर्गिनी जो है दोबारा खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। अभी फिलहाल मेरे पास $4 million है, जिसमें से $2 million मेरे को बांटने भी है, फ्रैंकलिन को एक देनी है, एक ड्राइवर को देने हैं। तो समझ लो $2 million और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो मुझे बताओ मुझे नई वाली गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, जो भी आपको लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जगह लाइक कर देना, चैनल भी नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है जल्दी से अगर दबा दो। एंड थैंक यू सो मच गाइज यार, 2 million सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज लव यू ऑल, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, और हाँ यार अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट की जगह आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे मेंशन करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो तो आपको रिप्लाई मिलने के ज़्यादा चांसेस है। तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।